नमस्कार, दोबारा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस वक्त कन्नौज की सदर सीट पर मौजूद हैं और इस सीट पर अनिल धोरे जो हैं पिछले 3 बार से विधायक हैं और इस बार चुनावी मैदान में असीम अरुण जी उतर चुके हैं। आज मैं उनसे जानना चाहूँगा कि क्या वो कारण रहे जिसके चलते वो पुलिस कमिश्नर की पोस्ट छोड़कर इस मैदान में आप उतरे हैं। असीम अरुण जी, आप बताइए कि क्या जो मुख्य कारण रहे जिसके चलते आपने वो वाली चीज़ छोड़कर जो एक जनसेवा थी, ये दूसरी जनसेवा में आप उतर कर आ गए हैं? जनसेवा तो दोनों में ही है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने बारे में जो कल्पना नहीं करते हैं, हम अपने बारे में एक सीमित सोच रखते हैं। मैं एक पुलिस ऑफिसर की नौकरी कर रहा था, आईपीएस ऑफिसर की नौकरी भी ठीक ठाक चल रही थी और 9 साल की मेरी सेवा बची हुई थी। इसी बीच में मुझे एक कल्पना दी गई, एक सुझाव दिया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि क्या आप विचार करें कि आप अपनी मातृभूमि कन्नौज में जाएं और जा कर के पूर्णकालिक काम करें और एक राजनीतिक पारी खेलें। ये आप समझ सकते हैं कि बहुत क्रांतिकारी सा विचार था। इसके ऊपर मैंने, मेरे परिवार ने पूरी चर्चा की और हम लोग को लगा कि ये बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि एक तरफ हमें कुछ आदत थी आराम की ज़िंदगी की और कुछ संभावनाएँ थीं और ऊँचे पदों पर जाने की, दूसरी ओर जो आराम की ज़िंदगी थी वो अब समाप्त हो गई है। और कष्ट नहीं है ऐसा, लेकिन जो ऐशो आराम तब समाप्त है और दूसरी ओर एक स्ट्रगल है। लेकिन साथ ही साथ जो हमारे घर के लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, कन्नौज के सब परिजन हैं, उनका प्यार सम्मान पाने का एक अवसर था। तो ये मुश्किल निर्णय था, निर्णय मैंने लिया और अब जितना प्यार सम्मान मिल रहा है, चुनाव का आउटकम जो भी हो, मुझे बड़ी खुशी है कि अब मुझे पूरे परिवार मेरे साथ है। हम लोग बड़े प्रसन्न हैं कि हमने निर्णय सही लिया और रिटायर होकर हम 61 साल पर भी ये काम कर सकते थे और 51 साल पर भी काम कर रहे हैं, तो अपनी मातृभूमि से जुड़ गए हैं पूरी तरीके से और इस सफ़र का आनंद उठा रहे हैं। तो सर, आपने कन्नौज ही क्यों आपने ये सीट चुनी? आप कोई सेफ सीट भी चुन सकते थे। यहाँ पर पिछले 3 बार से आप देख रहे हैं अनिल धोरे जी लगातार विधायक बनते हुए आ रहे हैं, तो आपने ऐसा रिस्क क्यों लेना समझा? मेरा मूल जनपद है कन्नौज और जो विधानसभा लगती है कन्नौज की, उसके बगल में ही तिरवा एक कस्बा है, उसके पास मेरा गांव है खैरनगर, वहाँ के हम रहने वाले हैं। मेरे पिताजी की का स्वर्गवास हुए करीब 3.5 साल हुआ। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद और उससे पहले भी बहुत काम किया क्षेत्र के लिए, विकास के लिए, और जब वो नहीं रहे तो मैंने उनको वादा किया कि मैं उनके जो अधूरे सपने हैं पूरे करूँगा क्षेत्र के विकास के, और उन्होंने एक संस्था बनाई, एक स्कूल बनाया उससे संबंधित। लेकिन मुझे लगा कि 3.5 साल में नौकरी के साथ साथ मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, तो 9 साल मैं इंतज़ार करता और शायद रिटायरमेंट के बाद मेरी ऊर्जा कम हो जाती और मैं पिताजी के स्वप्न को पूरा भी ना कर पाता। और इसी बीच ये एक सुझाव आया तो मुझे लगा कि शायद ये पिताजी का ही आदेश है, कि क्योंकि ऐसी कल्पना जो मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे बारे में दूसरे कर रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व कर रहा है और ऐसा व्यक्ति जिसका कोई राजनीति से मतलब नहीं है, किसी पार्टी से कभी कोई मतलब नहीं है, तो फिर मुझे लगता है कि शायद ये ईश्वर का आदेश है, पिताजी का आदेश है और मैं आया। दूसरी बात, कठिन सीट और आसान सीट। मैं अपने घर आया हूँ, अपने घर पे काम कर रहा हूँ। मैं इस तरह से नहीं आया हूँ कि जो सबसे आसान सीट है मैं वहाँ पे चले जाऊँ। और सीट आसान और कठिन नहीं होती है, असली बात होती है कि लोगों के मन में, नागरिकों के मन में क्या विचार है। और जितना मैं अभी घूम रहा हूँ, सबसे बातचीत हो रही है, तो लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 साल के राज्य में और लगभग 7 साल के केंद्र के काम के प्रति बहुत संतुष्टि है। और मैं एक नया कैंडिडेट हूँ, मैं समझता हूँ मुझे एक ईमानदार छवि के लिए चुना गया है। तो जब लोग सरकारों की काम की तुलना करते हैं और प्रत्याशियों की इमेज की तुलना करते हैं तो उनको अंतर दिख रहा है। और ज़्यादा अपने बारे में बड़ी बात करना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे मार्जिन से जनादेश मिलेगा। सर, अभी आप बात कर रहे थे घूमने की, तो जब मैं आज दिन भर से कन्नौज में हूँ, मेरी कई किसानों से बात हुई, उनका ये कहना था कि गाय जो है उनका पूरा जितना भी वो खेती करते हैं, धान की खेती करते हैं, आलू की खेती करते हैं, गाय जो है वो सब खा जाती है। इस पर लेकर आप क्या करेंगे? ऐसा समय कभी नहीं आएगा जब हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएं। सरकार ने बहुत सारी समस्याएं हल की, सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी की, विकास बहुत अच्छा किया। अभी एक समस्या ये चल रही है, मैं अपने क्षेत्र का बताता हूँ। हमारे खैरनगर के बगल में अड्डापुरवा एक जगह है, वहाँ की एक गौशाला बन के तैयार थी। उसमें थोड़ा सा मैंने समन्वय किया नगर पालिका और डीएम साहब के बीच में, कुछ ग्रांट का इशू था, कुछ समझ की कोई समस्या थी, तो मेरे छोटे से हस्तक्षेप से और सहयोग से वो 2 दिन के अंदर गौशाला चालू हो गई और करीब 500 पशु वहाँ पे अब हैं। इसी प्रकार
पूरे जनपद में गौशालाएँ जो बन चुकी हैं, बनके लगभग तैयार हैं, उनको क्रियान्वित किया जा रहा है। और ऐसे अन्ना जानवर बोलते हैं हमारे क्षेत्र में, उनको हम लोग पकड़ करके और वहाँ पे उनको सुरक्षित कर रहे हैं। ये समस्या है और जिसका व्यापक स्तर पे हल निकल रहा है, करीब करीब आधा हल निकल चुका है। मैं बहुत से गांव में जाता हूँ, वहाँ पे बोलते हैं समस्या नहीं है। एक गांव में गया जहाँ की मैंने आज अपनी आँखों से देखा कि कुछ वहाँ पे सांड वहाँ पे एकत्रित थे और लोगों ने उनको घेर रखा था। और फिर मेरी बात हुई नगर पालिका से और DM साहब से, और वहाँ पर टीम बुला करके सभी ऐसे सांडों को पकड़ा जा रहा है और उनको गौशाला में बंद किया जा रहा है। तो प्रतिदिन हमको कल्पना करनी है कि अब हमारे सामने कौन सी समस्या है और उसका हल निकालना है। बहुत सारी समस्या हमने हल की, इसको भी हम लोग हल कर रहे हैं और आगे अगली समस्या की कल्पना करेंगे, उसको हल करेंगे। सर, 96 से आपने अभी तक कई बदलती हुई सरकार देखी, आखिर योगी सरकार में आपको क्या ऐसा नज़र आया कि आपने पार्टी ज्वाइन करने का नहीं बल्कि उसी पार्टी से चुनाव लड़ने का भी निर्णय लिया? मूल रूप से जिन सिद्धांतों पर मैं हूँ, जो सिद्धांत मेरे पिताजी ने दिए, मेरे माँ ने दिए, कि ईमानदारी से काम करो, सबको साथ जोड़ो, शिष्टाचार का व्यवहार करो, संस्कार के साथ रहो, जो काम करो उसको पूरे मनोयोग से, पूरे विशेषज्ञता के साथ करो, यही सिद्धांत मैं पाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। जहाँ पे पुलिस में जिस पटरी पे मैं चल रहा था, उसी पटरी पे मैं अभी भी चलूँगा लोक सेवा में। लेकिन अब ये कि रेल की गति बढ़ जाएगी, या मैं बोलूँ जो चित्रकारी का कैनवास था पुलिस का एक छोटा था, सिद्धांत सारे वही रहेंगे लेकिन कार्य क्षेत्र कैनवास बड़ा हो जाएगा। ये जो सर अटैक हुआ अभी आपने देखा होगा, इलाहाबाद में बच्चों की पिटाई होती है और उनको कमरों से निकाल के भी पीटा जाता है और पुलिस के लोगों की वीडियो आती है, वो किसी से छुपे नहीं हैं। अब आप उसी महकमे से आते हैं तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, उसमें आप क्या सुधार ला सकते हैं? मैं इसको इस नज़रिए से देखता हूँ कि सुरक्षा कानून व्यवस्था को ठीक करने में पुलिस एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और पिछले 5 साल में पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए योगी जी की सरकार ने काम किया। अपराधियों से लोहा लेने के लिए उसका मनोबल बढ़ाया गया, वैज्ञानिक विवेचनाओं के लिए फॉरेंसिक लैब आदि खोली गई। लेकिन साथ साथ दूसरी बात मैं बोलता हूँ, मैं जब पुलिस कमिश्नर था या मैं 112 का ADG था, तो मैं बार बार अपने ATS में भी था, तो बार बार मैं अपने साथियों को बोलता था कि भाई तुम अच्छा काम चाहे मत करना, बुरा काम मत होने देना। कभी आप सुनते हैं कि पुलिस वाले ने किसी को पीट दिया, कहीं कोई गड़बड़ हो गई, किसी का बदतमीज़ी कर दी, ये कोई सरकार नहीं कहती कि ये करो। ये हमारी पुलिस की आंतरिक समस्या है, अनुशासन की समस्या है और जो पुलिस अधिकारी हमेशा चेष्टा करते हैं कि ऐसी कमियां ना हो। मैंने हमेशा चेष्टा की कि ये कमियां ना हो, जिसकी वजह से पुलिस की छवि शायद थोड़ी सी मैं बेहतर कर पाया अपने कार्यक्षेत्र में। और जहाँ पर ऐसी घटनाएं हुई हैं, आप देखिए हर एक घटना में जहां पुलिसकर्मी की गलती है, पुलिस एक ऐसा विभाग है जो सबसे बहुत जल्दी अपने कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करता है। बहुत सारी और संस्थाएं कोशिश करती हैं ये हमारा व्यक्ति इसको बचाओ और निष्पक्षता से निर्णय की ईमानदारी से काम नहीं होता, लेकिन पुलिस में आप जब भी ऐसी गलती पाएंगे उसमें कार्रवाई होती है। तो ये पुलिस की एक आंतरिक अनुशासन का मुद्दा है, जिसको कि आप अगर देखें पिछले सालों से कंपेयर करें तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी हल हुई हैं क्योंकि पुलिस में विशेषज्ञता का विकास किया गया है। आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि पुलिस में विशेषज्ञता का और विकास किया जाएगा। जो इस प्रकार की गलतियां पुलिसकर्मियों से हो जाती हैं उसको रोकने का पूरा प्रबंध किया जाएगा और ऐसी घटनाएं कम सुनने में आएंगी। सर, अभी एक आपके कोई सहयोगी वहाँ पर बहुत अच्छी बात बोल रहे थे कि हिंदू मुसलमान की एकता की बात कर रहे थे, उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? उस चीज़ को मैं यूँ देखता हूँ, सबका साथ सबका विश्वास, ये चरितार्थ होता हुआ ज़मीन पे दिख रहा है। आप देखें अगर तो भारतीय जनता पार्टी ने सर्व समाज को जोड़ने का कार्य किया है। अगर हिंदू मुस्लिम की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में मोर्चे हैं, ऐसे 6 मोर्चे बने हैं जो कि अभिन्न अंग है। उसमें एक अल्पसंख्यक मोर्चा भी है जिसके माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय को, भाई बहनों को जोड़ा जाता है। और मैं तो अभी मात्र 2 हफ्ते का पार्टी में हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि हर चीज़ में उनका योगदान होता है, निर्णय होता है। तो सभी को पार्टी के अंदर भी प्रतिनिधित्व दिया गया है और लगातार ये चेष्टा है कि विश्वास बढ़े। मेरे पास स्वयं बहुत सारे भाई बहन आ रहे हैं और मैं चेष्टा कर रहा हूँ सर्व धर्म के, सर्व जाति के लोग, कुछ मेरे पिताजी का इतना अच्छे संस्कार हैं यहाँ पर, अच्छी स्मृतियाँ हैं कि लोग जुड़ रहे हैं और कुछ भारतीय जनता पार्टी का वृहद दर्शन है, एक बड़ा दिल है,
जिसकी वजह से सब लोग जुड़ रहे हैं और उसका परिणाम दिख रहा है। लेकिन सर, जो पार्टी अभी आपने 2 हफ्ते पहले ज्वाइन करी है, उसी पार्टी के 2 हफ्ते पहले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये 80 बनाम 20 की लड़ाई है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस मामले में अभी मात्र 2 हफ्ते पुराना भी नहीं हूँ पार्टी में, तो मैं, लेकिन जो मैं कन्नौज में अपने विधानसभा क्षेत्र में सीधे देख रहा हूँ कि सभी लोग जुड़े हैं, सभी लोग स्वतः सामने आ रहे हैं। अगर मैं कहीं पे पहुँचने में मुझे विलंब भी हो रहा है तो मुझे रोज़ फ़ोन आते हैं कि आप यहाँ भैया नहीं आए, यहाँ नहीं आए, और मैं सब जगह जा रहा हूँ। और मुझे लगता है यही सर्व समाज को जोड़ने की भारतीय जनता पार्टी की नीति है और उसका परिणाम हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे सर, कन्नौज में लोगों के बीच में एक बात ये भी चल रही है कि आप अगर ये सीट निकाल देते हैं तो आपको उप मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा, इस बात में कितनी सच्चाई है? मैं समझता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन की है, जैसे लगभग 30 वर्ष की मेरी पुलिस सेवा है, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं एक जीवन में 2 जीवन का आनंद लेने वाला हूँ और मैं 30 साल भारतीय जनता पार्टी में रहूँगा और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से लोक सेवा में रहूँगा। 30 साल में चुनाव जीतूंगा भी, हारूंगा भी, कभी अच्छा भी लगेगा, कभी बुरा भी लगेगा, तो जीवन एक मिश्रित चीज़ है। जो काम मुझे मिलेगा मैं उसको पूरे मनोयोग से करूँगा, खूब अच्छे से करूँगा, जो काम मुझे मिले करेगा। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, मेरी महत्वाकांक्षा ये है कि जो मुझे ईश्वरीय आदेश हुआ है, मैं कन्नौज आया हूँ, अपने परिवार से, अपने क्षेत्र से जुड़ चुका हूँ और 30 साल पूरी तरीके से जुड़ के रहूँगा। जब आप ATS के चीफ हुआ करते थे तो वहाँ पर एक SP थे, राजेश सैनी साहनी, उन्होंने ऑफिस में सुसाइड किया था, इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि आप उस वक्त चीफ हुआ करते थे, कि आपका हम टेक जानना चाहते हैं इसमें। ये मेरे लिए बहुत इमोशनल मुद्दा था क्योंकि राजेश साहनी और मैं IG था और राजेश मेरे एडिशनल SP थे और लंबे समय हम लोगों ने साथ काम किया और एक दूसरे के प्रति बड़ा सम्मान हम करते थे। बल्कि जो भी आप राजेश का चित्र देखेंगे मीडिया में, वो मेरा खींचा हुआ है, और जो मेरा चित्र देखेंगे वो राजेश का खींचा हुआ है, क्योंकि हम दोनों का मीडिया का बैकग्राउंड भी था। और दुर्भाग्य से राजेश ने आत्महत्या की और वो छुट्टी पे थे कार्यालय, वो आए और उन्होंने अपनी पिस्टल मंगाई और उन्होंने आत्महत्या की। बहुत ही दुखद प्रकरण था मेरे लिए। इस संबंध में जाँच भी हुई और जाँच पूरी हुई, जाँच में अगर मेरे ऊपर कोई उंगली वैसे कहीं भी उठी नहीं थी, लेकिन जांच में ऐसी कोई बात आई भी नहीं। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत दुखद समय था, लेकिन समाप्त हुआ वो। राजेश का जाना बहुत दुखद रहा, उनके परिवार के लिए भी बहुत कष्टप्रद रहा। उनके परिवार के साथ, उनके माता पिता के साथ मैं हूँ, आज भी उनके साथ हूँ, और हमारी कोशिश रहती है कि उनका कष्ट जितना कम कर सकें उतना अच्छा होगा, किंतु राजेश का जाना मेरे लिए बहुत कष्ट भरा और बहुत भारी रहा। सर, आखिरी सवाल यह है कि NCRB का डेटा कहता है कि उत्तर प्रदेश में आज भी महिलाएं अनसेफ हैं, इस पर आप कैसे आप एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि आप पुलिस प्रशासन से आते हैं और अब आप लॉ एंड ऑर्डर बनाएंगे, तो इस पर आप क्या करेंगे? एक हाल में रिटायर हुए पुलिस ऑफिसर के रूप में मैं कह सकता हूँ कि जो क्राइम के आंकड़े हैं, इनको बहुत सोच समझ के हमें समझना चाहिए और तुलना करना चाहिए, खासकर जहाँ पर भिन्न भिन्न प्रदेशों की हम बात कर रहे हैं। और जो आप आंकड़ा बता रहे हैं वो है एब्सोल्यूट आंकड़ा, कुल आंकड़ा। तो जिस राज्य की पॉपुलेशन 24-25 करोड़ है, उसका तो हर चीज़ का आंकड़ा ज़्यादा होगा। तो अपराध में हमको अपराध का एब्सोल्यूट आंकड़ा नहीं, क्राइम रेट यानी अपराध की दर देखना चाहिए। और अगर हम अपराध की दर देखेंगे तो आप पाएंगे कि हम लोग बहुत अच्छी पोजिशन में। लेकिन आंकड़े से ज़्यादा महत्वपूर्ण, अभी अगर आपने देखा हो, मैंने जो बैठक की, लोगों से बातचीत की, तो मैंने पूछा लोगों से, अपने क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों से, कि आंकड़े की बात नहीं करते हैं, आप बताइए, आप आज से 5 साल पहले सूर्यास्त के बाद क्या सड़क पे आराम से निकल जाते थे? लोगों ने कहा नहीं, हमें डर लगता था लूट हो जाएगी, बल्कि लूटपाट हो जाती थी, कपड़े तक लोग उतरवा लेते थे। और क्या आज कोई ऐसा कष्ट है? तो बोलते नहीं, देखिए सूर्यास्त होने वाला है और पुरुष तो पुरुष, स्त्री भी रात को निकलती हैं, जाती हैं, और उन्हें डर नहीं लगता है। तो अपराध के मामले में परसेप्शन सबसे महत्वपूर्ण चीज़। मैं चाहूँगा आप भी इस पर प्रयोग करके देखें, UP में एकदम स्वतंत्र आप पूछिएगा कि क्या आप बेहतर सुरक्षा में महसूस करते हैं। अगर करते हैं लोग, तो ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। अपराध का आंकड़ा तो कुछ भी मैं दिखा सकता हूँ, वो भी अच्छा है, वो भी बिल्कुल सही है, लेकिन जो आंकड़ा हमारे मन में है, हमारा इम्प्रेशन है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है सर, देखते हैं कि आने वाले चुनाव में जिस कन्नौज में इत्र के फूल खिलते हैं, उसमें कमल का फूल खिलता है या नहीं। निश्चित रूप से इसी विश्वास के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद अकु जी, थैंक यू, धन्यवाद।